हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। एंड ये हमारा एक नया प्लेलिस्ट है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन हम अपने चैनल पे आपसे कराएंगे। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो पेपर वन का जो पेपर होता है आपका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत ही स्कोरिंग भी होता है। पेपर टू में आपके मार्क्स थोड़े इधर उधर आ सकते हैं, बट पेपर वन के मार्क्स अगर आप सिक्योर कर लेते हैं तो आप आसानी से पास कर सकते हैं यूजीसी नेट कॉमर्स को। तो पेपर वन को अच्छे तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कंपैरेटिवली ये थोड़ा आसान है, बिकॉज ये चीजें आप ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है ना। ये जीके वगैरह करना या डेटा इंटरप्रिटेशन करना, ये सारी चीजें आप कर रहे हो। कॉमर्स के साथ अगर आप टच में हो तो सेकंड पेपर भी आपके लिए आसान होगा। अगर नहीं हो तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, बट इट्स नॉट दैट मच टफ। इट इज वेरी इजी टू क्रैक। एंड आई होप कि आप इस जर्नी में हमारे साथ बने रहेंगे और आपकी स्टडी जो है वो अच्छी तरीके से चलती रहेगी, और उसके लिए हम काफी मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर वन के बारे में कि पेपर वन में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो बहुत ही आसान से सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला तो है टीचिंग एप्टीट्यूड। जो लोग जिन लोगों ने बीएड कर रखा है उनको इन सब चीजों के बारे में काफी जानकारी होगी, पर जिन लोगों ने नहीं कर रखा उनके लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड कोई टफ टॉपिक नहीं है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे तो आप डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, एंड एग्जामिनेशन में आप इसमें अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड। ये थोड़ा सा टफ एक टॉपिक हो जाता है फर्स्ट पेपर में, जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देकर देने की जरूरत है। और थर्ड पेपर की तरफ चलेंगे तो यह है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये सबसे आसान होता है, आपको बस पढ़ना है और सवालों के जवाब देने हैं, तो बहुत आसान होता है ये। फोर्थ नंबर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी हम कम्युनिकेशन के बारे में उसके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, बैरियर्स, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। ये भी टॉपिक्स बहुत आसान है। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपने बीकॉम में पढ़ा होगा ये सारी चीजें। कम्युनिकेशन ईडीबीसी हमारा एक टॉपिक रहता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये टॉपिक आई होप आपने पहले किया होगा। पांचवा नंबर है रीजनिंग। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको रीजनिंग के बारे में जानकारी होगी, तो रीजनिंग यहाँ से हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, आप बोल सकते हो। सातवां नंबर पॉइंट है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये भी काफी आसान होता है। डेटा आपके पास दिया हुआ रहता है, आपको कंपेरिजन करके डेटा को इंटरप्रेट करना होता है, ये भी काफी आसान होता है। आठवां नंबर है, ये थोड़ा सा मैं इसको आसान तो है लेकिन ये थोड़ा सा टफ इसलिए भी है क्योंकि ये एक किस्म का स्टैटिक जीके है। आपको जो है चीजें पढ़नी होंगी, इसके बारे में आपके पास डीप नॉलेज होना चाहिए, तो ही आपको ये सारी चीजें जो है कर पाओगे। सातवें नंबर में डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या था कि सवाल दिया है, सवाल के जवाब आपको देने हैं। कैलकुलेशंस है वहां पे, लेकिन इसमें कैलकुलेशंस नहीं है, यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे, जैसा कम्युनिकेशन में है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोग इसके टच में नहीं है, और अगर है भी तो बहुत टर्मिनोलॉजी बहुत सारी ऐसी होती है जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगला है पीपल एंड एनवायरमेंट। तो यहाँ पे जीके रिलेटेड चीजें जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे, एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो बहुत ही आसान है सारे के सारे। 9 टोटल यहाँ पे है। एक और हमारा जो है टॉपिक है, एक और हमारा सब्जेक्ट है आप बोल सकते हो, जो कि है हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे इंडिया में जो गवर्निंग बॉडी है जो कि यूजीसी है, जैसे कि AICTE है, तो इन सब का क्या रोल होता है, किस तरीके से हमारे इंडिया में जो है इसके ऊपर काम किया जा रहा है, किस तरीके से हायर एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, और जो भी चीजें अभी रिसेंटली हुई हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, उन सारी चीजों को पढ़ना, करंट अफेयर्स को पढ़ना, ये सारी चीजें जो है इसमें आपके पूछे जाते हैं। तो ये टोटल 10 टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, एंड काफी आसान टॉपिक्स हैं। मेरे पास एक बुक है, सॉफ्ट कॉपी है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली ले सकते हो। हालांकि उसी बुक के थ्रू मैं आपको यहाँ पे चैनल पे पढ़ाऊंगा भी, तो इन केस अगर आपको बुक चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो फॉर द बुक। एंड ऑफ कोर्स क्लासेस यहाँ पे फ्री में अवेलेबल होंगी, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको अगर पढ़ने का समय नहीं मिल पाता तो आप आराम से हमारी वीडियोस को देखें, आपकी उसी में प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में जहाँ पे हम अपने टॉपिक को कवर करेंगे। अगला वीडियो हालांकि मैं बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स वहां से आने वाले हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।